वन अमले ने की बड़ी कार्यवाही। लाखों की कीमती लकड़ी के साथ आरोपी धराए। शहडोल में वन विभाग की बड़ी कार्यवाही सामने आई है, जहां वर्षों से चोरी की लकड़ी का व्यवसाय करने वाले दो आरोपियों को वन अमले ने गिरफ्तार कर लिया है। उपवन मंडल अधिकारी राहुल मिश्रा के नेतृत्व में एसपी त्रिपाठी परिक्षेत्र अधिकारी के मार्गदर्शन में यह कार्यवाही हुई है, जहां आरोपी रज्जू कुशवाहा पिता छोटेलाल कुशवाहा निवासी सुहागपुर एवं उदय चंद्र सोनी पिता भाईलाल सोनी निवासी सुहागपुर के पास से कीमती लकड़ियां बरामद हुई हैं। वन अमले ने बताया कि वीजा साल सागौन की लकड़ी बरामद हुई है, जिनमें से 84 नग लकड़ी बरामद करने के साथ लगभग 1 लाख रुपए की कीमत बताई जा रही है। उक्त कार्यवाही में मुख्य रूप से परिक्षेत्र अधिकारी शहडोल के अलावा हरेंद्र श्रीवास्तव, विशंभरनाथ त्रिपाठी, राम सेवक मौर्य, नितिन राजन तिवारी, ओमकार तिवारी, हरिप्रसाद दुर्गेश, अविनाश सिंह, कुमारी अनामिका गुप्ता एवं रमेश तिवारी मुख्य रूप से इस कार्यवाही में शामिल रहे। गाँव मेढकी जिला उमरिया से लकड़ी ले आके इनको दी जाती रही और ये घर में चिरान करके चौकट, किवाड़ा, दरवाज़ा, खिड़की इत्यादि बना बना कर बिक्री की जाती है। मेरे को मुख्य तंत्र से कल सूचना मिली थी, जिसमें मैं वन मंडलाधिकारी से सर्च वारंट जारी करवा कर उनके निर्देशन में अपनी टीम लेकर जब्ती कार्रवाई की। 84 नक चिरान जब्ती हुई है और करीब इसकी कीमत लाखों में आकी जा सकती है।